आज पूरे विश्व का मुस्लिम समुदाय ईद उल अजहा अर्थात बकरा ईद बड़ी धूमधाम से मनाता है। यह पर्व इस्लाम के पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा दी गई कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। इस्लामिक महीने के अनुसार जू अल हिज्जा के 10वें दिन और रमजान के 70 दिनों के बाद बकरा ईद का पर्व मनाया जाता है। समुंदर को उसका साहिल मुबारक, फूल को उसकी खुशबू मुबारक, और आप सभी को बकरी ईद के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं, आज पूरे विश्व में तमाम मुस्लिम भाई ईद उल अजहा अर्थात बकरी ईद मना रहे हैं, और उसी अवसर पर इस वक्त हम मौजूद हैं सोमवारी क्वार्टर स्थित इस मस्जिद के सामने, जहां की ईद उल अजहा अर्थात बकरी ईद का नमाज पढ़ा जा रहा है। इस्लामिक मूल्यों द्वारा कुर्बानी का काफी बड़ा महत्व इस पर्व पर माना जाता है। सुबह उठकर अल्लाह की याद में इस प्यारी जिंदगी के लिए शुक्रिया अदा करते हुए मुस्लिम भाई मस्जिद में पहुंचते हैं, जहां मुंह हाथ धोकर पाक मन से मस्जिद में मौलवी साहब का उपदेश सुना जाता है, जिसके बाद ईद की नमाज पढ़ी जाती है, जहां अनुशासन का परिचय देते हुए खड़े होकर और सर को अल्लाह के सजदे में झुकाया जाता है। नमाज खत्म होते ही सभी मस्जिद के बाहर बैठे फकीरों को ज़कात देकर इस्लाम का फर्ज अदा करते हुए गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी जाती है। इस पर्व पर इन बीसीएन ने जायजा लिया सोमवारी क्वार्टर स्थित मस्जिद का, जहां ईद के पर्व पर नमाज से दिन की शुरुआत की गई। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब सिराज शेख, जिनसे हम जानेंगे कि इस बकरी ईद का पावन पर्व पर वो क्या कहना चाहेंगे। ईद के मैं आज सबको ईद मुबारक बोलूंगा। बाकी डिटेल हमारे भाई लोग बताएंगे आपको, सभी सोमवारी क्वार्टर वासियों को, हमारे जितने भी इस्लामिक भाइयों को, नॉन इस्लामिक भाइयों को, मेरे दोस्तों को, भाइयों को, सबको दिल से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे इस्लामिक भाइयों को, साथ ही साथ पूरे तमाम विश्व के इस्लामिक भाइयों को और पूरे देशवासियों को? आज ईद उल अजहा के मौके पर मैं सभी भाइयों को और सभी देश के वासियों को मैं ईद की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ये भी ईद सभी की अच्छी हो और हालात अच्छे रहे सभी के, बस इतना कहना चाहता हूँ। ये कुर्बानी होती है, ये अपना जो हमारे पैगंबर थे उनके नाम से, मतलब जो शुरुआत की उन्होंने, उसके लिए सभी को है, मतलब इन्हें भाईचारे के हिसाब से रहने के सभी लोगों। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद थे सोमवारी क्वार्टर स्थित मस्जिद में, जहाँ की हमने जाना कि हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में यह बकरी ईद मनाई जाती है, ईद उल अजहा मनाई जाती है, जिसके मौके पर तमाम मुस्लिम भाइयों ने गले मिलकर सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ एक शांति का और एक भाईचारे का संदेश देते हुए मौलाना साहब ने जिस प्रकार से कहा कि सभी ने एकता के साथ रहना चाहिए, इसी के साथ इनबीसीएन परिवार की ओर से सभी को बकरी ईद की हार्दिक शुभकामनाएँ। इसी के साथ कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं मनीष टेमरे, इनबीसीएन न्यूज के लिए नागपुर। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरे, बीसीएन न्यूज नागपुर।